भाई फिलहाल ये तस्वीर जो है सुखपुरा गांव, बयानी कहे सुखपुरा गांव तो आप लोग देखने लग रहे हो। और भाई नीतू गणगस जो बॉक्सिंग में मुक्केबाजी में मेडल जीत के लेकर आई है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, उन तक बात कराएंगे और मेडल भी फिलहाल आपने गले में दिखेगा। और पूरा गांव मात्र 550 के लगभग वोट है, लेकिन पूरा गांव हमारा जुलूस आ गया है। और स्वागत में देख लो महिलाएं जो है फूल लेकर तैयार खड़ी है। फिलहाल ये तस्वीर जो है आप लोग लाइव देखने लग रहे हो किस प्रकार से नीतू गणगस जो मुक्केबाज है वो मेडल जीत के लेकर आई है। और फिलहाल ये लाइव चरण देख सको किस प्रकार का स्वागत उनका ग्रहण करते महिलाएं जो है फिलहाल मौके पहुंची है, क्योंकि महिलाएं एक बहुत खुशी की बात है, महिलाओं के लिए एक बहुत खुशी की बात जो है फिलहाल तस्वीरों में देख सको आप। आप लोग जो इन्हें मेडल जो है वो जीतते हैं फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वो गोल्ड मेडल या सोना जो चमकता होया। संदीप भाई एक बार सोना दिखा दे, सोना जो चमकता होया है एक बार नीतू तो हम बात कर ले। नीतू भाई राम राम भाई, मतलब मारा तो ना खेल लगी गेम हमारी गेल तो आज तो भी रक्षाबंधन है। टेम था अंग्रेज जाने राज गया था और आज टेम है अंग्रेज जा का मुक्के मार के 5-0 जीत का आयो। कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल, मैं अपने जो देश का तिरंगा है सबसे ऊपर लहरा के आई हूँ। इससे गर्व की बात, हमारे देश के लिए कुछ नहीं होती, हर एक प्लेयर इसी दिन के लिए खेलता है। अच्छा, और भी लड़कियां हैं जो नहीं जा पाती स्पोर्ट्स में किसी ना किसी वजह से, उन तक कुछ संदेश दोगे आप? अभी बहुत परिवर्तन आ रहा है, साल की मेहनत है मेरे ये 12 साल की मेहनत। 12 साल, 12 साल लगातार कितने साल के मुक्केबाजी करने लगे? 10 साल की उम्र से ही मुक्केबाजी स्टार्ट कर। अगला के अपना फोकस है, अगला फोकस कौन से गेम पे है? अभी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और फिर हमारे ओलंपिक के क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या उम्मीद है वर्ल्ड चैंपियनशिप में? मुझे मेरे किस प्रकार से 5-0 तो हरा गए हो, धन्यवाद। आगे की बात हम आगे पहुंच के करेंगे आपसे, तो आगे की बात भी जो है वो हम इन तक कराएंगे मंदिर में पहुंच के, क्योंकि फिलहाल देख सको एक बार भाई कैमरामैन तक कहूंगा कि जिस प्रकार तय है छोटे से गांव ने इतना बड़ा स्वागत जो है नीतू गणगस का कराया है वो जरूर तो जरूर दिखा दो। और अभी मंदिर में पहुंच के हम आपसे मिलते हैं किस प्रकार का स्वागत जो है वो करा जाओ। भैया ताई खड़ी है फूल लेकर सामने नीतू गणगस आवे, राम राम। राम राम। क्यों आज के स्पेशल है जो खड़े हो? फिलहाल देख सको तस्वीर में पूरा गांव और पूरी खाप जो है बहुत खुश होती हुई नजर आवे। भाई देख सको फिलहाल किस प्रकार से, देख लो खुशी में, क्योंकि इनकी बहन जो है वो मेडल जीत कर लेकर आई है। गणगस खाप का पूरा नाम रोशन किया है हरियाणा का और भारत का भी विश्व में नाम रोशन किया है। देख सको किस प्रकार तो फूल लेकर छोटे छोटे नौजवान बच्चे जो है वे खड़े हैं। और एक बार दिखाऊंगे किस प्रकार तो छोटे छोटे बालक जो है फूल लेकर थाली में फूल लेकर खड़े हैं स्वागत करने खातिर, हौसला कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा है। भाई सब नमस्कार, आज आपके गांव ने जो स्वागत किया है छोटे से गांव हो तो इतना बड़ा स्वागत जो किया गया है, और आपके हमारी बेटी है हमारी बेटे है हाँ, इसलिए हमने कराया जीत के आई है। क्या उम्मीद है अगली बार ओलंपिक में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनकी क्या आपने उम्मीद लगा है जिस प्रकार से खेल? गोल्ड माना, गोल्ड पक्का। हाँ, पक्का गोल्ड माना। हाँ, पक्का। तो अभी नीतू गणगस हम बात करेंगे जो गोल्ड जीत के लाई है छोरी इंग्लैंड के मुक्केबाज के जाबड़े तोड़ का है, देशी भाषा में बात करा जाबड़े तोड़ का उस हम बात करेंगे, उनका किस कारण है जानेंगे। आज जो आप अपने सामने खेलो में या
या फिर एजुकेशन हो तो अभी जैसे मेरा मेडल तो हरियाणा की छोरी हरियाणा में आया तो मैंने एक सबसे पहले तो गर्व की बात है कि मैं एक हरियाणवी हूँ और मैंने इतना सपोर्ट मिला है मेरे गांव की तरफ से प्रदेश की तरफ से कि मैं इस लेवल पे गई थी खेलन कि जहाँ पे हर एक खिलाड़ी अपनी पूरी दावेदारी के साथ आवे लेकिन उड़े जाके तो एक ऐसी चीज हो जो कह कर के भाई दुआ काम आया करे तो उस टाइम पे हर एक जो आदमी सब प्रदेशवासी थे तो मेरे लिए सारे दुआ करने लग रहे थे दुआ मेरे ख्याल पूरा देश करने लग रहा था कि 5-0 थे हाँ, एक भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल पूरा देश ने दुआ करी है और जिसकी वजह से आज मेरा गोल्ड आया है तो मैं मेरे देश ने यू मेडल स्पेशल टेक्निक के यूज करी जो 5-0 थे जीत टेक्निक तो स्पेशल कुछ सोच के गए होगे वो तो है ही हर एक खिलाड़ी का गेम हुआ है भाई उसकी अलग अलग टेक्निक हुए हैं और सबसे बड़ी बात है हरियाणवी हूँ तो दूध दही का खाना है जो किसी ने चाट बोल अच्छा दूध दही खाओ को प्रोटीन को इसे सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं इंजेक्शन भी सुने हैं चल इनमें ना 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 वो बहुत एक अलग बात है यहाँ तक पहुँचने तक तो हमारी देसी खाना है मैं वही सरकार तक ये अपील रहेगी क्योंकि देखा जाओ खिलाड़िया तो सरकार बहुत कुछ दे है लेकिन अभी तक जो कुछ घोषणा हुई है जिसे देखे और खिलाड़ी आपने देखे हैं बड़े बड़े बॉक्सर भी देखे हैं नौकरियां बहुत लेट जाए मिले हैं जो इनाम राशि है वो बहुत लेट जाए मिले हैं बहुत खर्चा हो जाए ओलंपिक भी जीतने में क्योंकि यो आपने ये भी लगा है कि यो मेडल जो है अब आ गया लेकिन इसके पीछे की 12 साल की मेहनत वह किसी ने नहीं दी सरकार तक मैं सरकार तक यही कहना चाहूंगी कि भाई जो मेडल है तो उन्होंने एक स्कीम चला रखी है पदक लाओ पद पाओ तो उस पर उन्हें पूरा अपना कार्यरत भी रहना चाहिए और जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो ठीक है वो मेरी मदद करने लग रही लेकिन जो मेरे जो छोटे भाई बहन है वो भी जिन्होंने शुरू करी है तो उस लेवल पर मैं चाहूंगी कि उन्हें जरूर मदद करे सरकार क्योंकि जो मदद है वो उस लेवल पे बहुत जरूरी हो जाए कितने भेदभाव भी देखा गया कि भाई ना हम तो नहीं खिलाते हम अपने स्टूडेंट में खिलाऊंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है मतलब स्पोर्टिव है सर हाँ बिल्कुल सारे स्पोर्टिव है अच्छा आगे की क्या कुछ तैयारी स्पेशल तैयारी कर रहे हो क्योंकि अब सिर्फ उन देशों का मैच था जो गुलाम रहे हैं आगे ओलंपिक आओ ओलंपिक बहुत बड़ी चीज है वर्ल्ड चैंपियनशिप एक बहुत बड़ी चीज है उसमें क्या कुछ खास तैयारी कर रहे हो क्या कुछ खास रूटीन बना रहे हो तो मेरी रूटीन जो है वो पहले वाली सेम रहूगी मैं जो अपनी टेक्निक है उन्हें और सुधार करूंगी और मैं यही है कि मैं सबको कहना चाहूंगी बस आप मेरे लिए दुआ करते रहियो मेडल आप लेते रहो बिल्कुल मुक्के में मारते रहोगे दुआ तुम करते रहिए ब्रो मेडल जो है आपका जरूर जरूर दिखा दो ब्रिंगम में जो है कॉमनवेल्थ का मेडल नीतू खनका जिस प्रकार से जीत के लाइए एक और चीज हुआ है मेडल जीत लिया बढ़िया बात है लेकिन जो सपोर्ट आज मिलने लग रहा है ना एक तो फोन की सपोर्टर है कि जो मैं बुला का शुरुआत देना ये बहुत बड़ी चीज है ये एक जड़ी बूटी का काम करेगा बिल्कुल ये एक जड़ी बूटी का ही काम करेगा मतलब मेरे अंदर इतना मैंने देखा है कि मेरे सारे जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे भाई बहन है सब मैंने इतनी शुभकामनाएं देने लग रहे हैं तो मैं लगा कि भाई मैं जो आगे और तैयारी करूँगी वो अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ करूँगी छोटी सी एक बात पूछ ली भी तोड़ देगी मुक्का मार के क्यों तोड़ने मेरे तो जो बड़े तोड़ने हैं ये हरियाणा की बात है थोड़े मेडल आवे अच्छा देश का नाम आगे जावे है और किसी ने पीठ छेद के लिए मेडल आधा छो तो नुबरे आवा तुमने बता दी मार को गुलाम करवाई आ जाए बात है मतलब तो गुलाम करे हूं मैं तो अपना तिरंगा लहरा के आना और प्रदीप होगा गर्व की बात है साथी चोटी के बहुत बहुत धन्यवाद